नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। भारत स्वतंत्र है लेकिन संप्रभु नहीं है। भारत में स्वराज है लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों के कानून आज भी चल रहे हैं। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी की रीति रिवाज चल रही है, गुलामी की परंपराएं चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स सिस्टम, लेबर सिस्टम, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। लेकिन कभी इस पर संसद में चर्चा नहीं हुई। इसलिए देश के बेहतर भविष्य के लिए अंग्रेजों के दिए कानूनों को बदलना जरूरी है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने कुछ सुझाव दिए। क्या कहा अश्विनी जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत इंडिपेंडेंट तो है लेकिन भारत सॉवरेन नहीं है। भारत स्वतंत्र स्वतंत्र है लेकिन संप्रभु नहीं है। भारत में स्वराज है, सेल्फ रूल है, लेकिन भारत में गुड गवर्नेंस नहीं है, सुराज नहीं है, रामराज्य नहीं है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों के कानून आज भी चल रहे हैं। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी की निशानी चल रही है, गुलामी के रीति रिवाज चल रहा है, गुलामी की परंपराएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, गुलामी का लेबर सिस्टम चल रहा है, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। कभी इस पे संसद में चर्चा ही नहीं हुई। 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म करने पे कभी संसद में चर्चा ही नहीं हुई। 1860 का इंडियन पिनल कोड आज भी चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1863 का अंग्रेजों द्वारा मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है, जो 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था भारत की प्रॉपर्टी को चर्च को देने के लिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो कानून तो खत्म हो गया लेकिन जो अंग्रेजों ने चर्च को जमीन दिया था वो जमीन आज भी वापस नहीं ली गई। इसलिए मैं कह रहा हूं आज तक सब कुछ गुलामी का चल रहा है। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, बाल विवाह चल रहा है, हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिसयार चल रहा है, तहरुस चल रहा है, तलाक हसन चल रहा है, तलाक अहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किराया चल रहा है। ये सब 15वीं शताब्दी के पहले कुछ भी नहीं था। तो आधी कुरीतियां आधी कुप्रथाएं मुगलों वाली चल रही हैं, बाकी सारे घटिया कानून अंग्रेजों वाले चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत इंडिपेंडेंट तो है लेकिन भारत सॉवरेन नहीं है। भारत स्वतंत्र तो है लेकिन भारत संप्रभु नहीं है। भारत में स्वराज तो आ गया लेकिन भारत में रामराज्य नहीं है। घूसखोरी पहले से ज्यादा है, जमाखोरी पहले से ज्यादा है, मिलावटखोरी पहले से ज्यादा है, कालाबाजारी पहले से ज्यादा है, नशा तस्करी पहले से ज्यादा है, अश्लीलता पहले से ज्यादा है, मानव तस्करी पहले से ज्यादा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने कानूनों को नहीं बदला, कानून कठोर नहीं बनाया। आज भी हवालाबाजी चल रही है, कबूतरबाजी चल रही है, घटतौली चल रही है, नक्काली चल रही है, कट मनी हो रही है, तोलाबाजी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया, टैक्स रिफॉर्म नहीं किया, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं किया। माओवाद चल रहा है, नक्सलवाद भी चल रहा है, कट्टरवाद भी चल रहा है, मजहबी उन्माद भी चल रहा है, रोहिंग्या घुसपैठ आज भी हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ आज भी हो रही है, मिशनरी अपना कन्वर्जन करा रहे हैं, जिहादी भी कन्वर्जन करा रहे हैं, जाति का जहर घोला जा रहा है, भाषा का जहर घोला जा रहा है, क्षेत्रवाद फैलाया जा रहा है, पंथवाद फैलाया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने घटिया कानूनों को नहीं बदला, पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं किया, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं किया, टैक्स रिफॉर्म नहीं किया, विदेशी फंडिंग बंद करने के लिए जो FCRA बना उसको खत्म नहीं किया, हुक्का बार खूब खुल रहे हैं, सट्टा बार खूब खुल रहे हैं, डिस्को बार खूब खुल रहे हैं, बियर बार खूब खुल रहे हैं, डिस्को बार खूब खुल रहे हैं। भारत की संस्कृति कैसे बचेगी? और दुर्भाग्य की बात ये, इस पे हमारे लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार भी इस पे चुप रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक गांधीवाद की बात होती है, अंबेडकरवाद की बात होती है, पेरियारवाद की बात होती है, लोहियावाद की बात होती है, समाजवाद की बात होगी, वामपंथ की बात होगी, सारी बात सब बातें होंगी, लेकिन कभी ये बात नहीं होगी कि 1860 का इंडियन पिनल कोड को खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड कब बनेगा, 1861 का पुलिस एक्ट घटिया खत्म करके वन नेशन वन पुलिस कोड कब बनेगा, 1863 का मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला कानून कब खत्म होगा, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून आज तक नहीं बनाया गया, झूठ को पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब आज तक नहीं बनाई गई, सब कुछ हो रहा है लेकिन कानून नहीं बदला जा रहा। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट
कानून तो चला गया, लेकिन जो मिशनरियों को लाखों एकड़ जमीन दी गई थी उसको आज तक वापस नहीं लिया गया। और 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है, इसलिए तहसीलदार के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, केवल और केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। 1836 का पारसी मैरिज एक्ट, 1872 का पारसी मैरिज क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट भी आज भी चल रहा है। 1954 में एक ड्रग एक्ट बना के नेहरू जी ने भारत की पूरी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 1977 में जबकि इमरजेंसी चली थी, उस समय भारत के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सोशलिज्म और सेकुलरिज्म नहीं था, इमरजेंसी के दौरान उसको डाल दिया गया। आज तक उसको निकालने पे उस पर कभी गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं हुई। 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ दिया गया, असम में 60 लाख घुसपैठियों को असम का नागरिक बना दिया गया, कभी संसद में उसको कानून को खत्म करने पे चर्चा ही नहीं हुई। 1986 में शाहबानों के फैसले को पलट के राजीव गांधी ने एक कानून बनाया था, उस कानून को आज तक कभी वापस लिया ही नहीं गया। 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया, कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बना के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देश में जितने भी मुगलों के द्वारा मठ मंदिर तोड़े गए थे उनको रिस्टोर करने की बजाय लीगलाइज कर दिया गया। 1991 का पूजा स्थल कानून है, उसको वापस लेने पर आज तक चर्चा ही नहीं हुई। 1992 में कांग्रेस ने भारत को बांटने के लिए, हिंदू जैन बौद्ध सिख को आपस में बांटने और मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया था 1992 में, उसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। आज तक वो कानून चल रहा है, उसको वापस लेने पर कभी संसद, लोकसभा, विधानसभा और मीडिया में कभी चर्चा ही नहीं हुई। 1995 में सबसे घटिया कानून बनाया वक्फ एक्ट, वक्फ एक्ट के कारण आज की डेट में वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा लैंड बैंक हो गया, लैंड माफिया हो चुका है, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आज तक 1995 के कानून को वापस लेने पे न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में हुई, न विधानसभा में हुई, न मीडिया में हुई। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया, आज तक उसको वापस लेने कोई चर्चा नहीं हुई। 2010 में एफसीआरए बना दिया, अपने पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू बुद्धिजीवियों को बाहर से फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस की सरकार ने एफसीआरए बनाया था 2010 में, आज तक उसको वापस लेने पे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में कभी चर्चा ही नहीं हुई। 2012 में राइट टू एजुकेशन के दायरे से चुपचाप मदरसे को निकाल दिया कांग्रेस ने, लेकिन समान शिक्षा लागू करने पे चर्चा ही नहीं होती। वन नेशन वन पिनल कोड पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, वन नेशन वन सिविल कोड बनाने पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाने पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा नहीं होती, गुलामों को नाम मिटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कभी चर्चा नहीं होती, गुलामी की निशानी मिटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कभी चर्चा नहीं होती, गुलामी की परंपरा को खत्म करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कभी चर्चा नहीं होती है। इस देश में हम लोग दुनिया भर के हॉस्पिटल बना रखे हैं, पतंजलि के नाम पे हमने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, सुसुत के नाम पे हॉस्पिटल नहीं बनाया, चरक के नाम पे हॉस्पिटल नहीं बनाया, महर्षि शारंगधर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, महर्षि माधवकर के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, महर्षि भावप्रकाश के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट डॉक्टर हमारे पास थे, उनके नाम पे हमने नहीं बनाया। दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हमारे पास थे, पाणिनि हमारे पास, भारद्वाज जी हमारे पास, बृहस्पति हमारे पास, विश्वामित्र जी हमारे पास, वशिष्ठ हमारे पास, हमने उनके नाम पे दिल्ली में सड़क, मोहल्ले, गलियां नहीं बनाया। दिल्ली में आप जाइए तो ऐसे लगता है कि यहां पे आज भी ये भारत गुलाम है। थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, उस पर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं होती। तहसीलें कमीशनखोरी का अड्डा बन चुकी हैं, उस पर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिकता है, उस पर संसद विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होती। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार यानी 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है, उस पर संसद विधानसभा में चर्चा नहीं होती। 5 करोड़ मुकदमे अलग से पेंडिंग है तहसीलदार के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, उसके कारण भी 5 करोड़ लोग टेंशन में है, उस पर संसद विधानसभा में कभी चर्चा नहीं होती। पुलिस चार्टर लागू करने पे चर्चा नहीं होती, जुडिशियल चार्टर लागू करने पे चर्चा नहीं होती, इलेक्शन चार्टर लागू करने पे चर्चा नहीं होती, टैक्स चार्टर लागू करने पे चर्चा नहीं होती। गुंडे, बदमाश, माफिया पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, सांसद बन रहे, विधायक बन रहे, लेकिन एक देश एक विधायिका संहिता पे कोई चर्चा नहीं होती। आज की डेट में लोकतंत्र खत्म हो गया है, पूरे तरीके से नोटतंत्र आ चुका है और भीड़तंत्र आ चुका है और भेड़तंत्र आ चुका है।
वास्तव में भारत में लोकतंत्र आए इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन कोड बनाने पे कभी चर्चा नहीं होती। अनपढ़ अनाड़ी गंवार सांसद विधायक मंत्री बन जाते हैं पैसे के दम पे, इस समस्या पे कभी चर्चा नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों को जाति की अफीम खिला दी जाती है, भाषा की अफीम खिला दी जाती है, क्षेत्र की अफीम खिला दी जाती है, और आप सुबह से लेकर शाम तक नेताओं की जय जयकार करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की जय जयकार करते रहते हैं। असली मुद्दों पे आप कभी मांग करते ही नहीं है, न कभी सोशल मीडिया में लिखते हैं, न कभी पब्लिकली सांसद विधायक से पूछते हैं, इसलिए सारी समस्याएं चल रही हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को भेजें, और आने वाले टाइम में जो आपसे कोई वोट मांगने आए तो उससे खुल के सवाल पूछिए। हालांकि ये सब सुनने के बाद आप बखूबी समझ गए होंगे कि हमारे देश से अंग्रेजों के कानूनों को हटाना बेहद जरूरी है, वरना हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़ा रह जाएगा। वही इन सब की वजह से काला बाजारी, भ्रष्टाचार, कट्टरवाद, जातिवाद, धर्मांतरण, अश्लीलता, घुसपैठ, जितने भी गलत काम सारे हो रहे हैं, क्योंकि कानून सख्त नहीं। इसलिए अश्विनी जी का कहना है कि इन गुलामी वाले अंग्रेजों के कानूनों को बदलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।